Hello everyone and welcome to Art of Composition. So today is the first MotoVlog on Art of Composition and we are going to a place called as Dandeli. So here we have gathered and this place belongs to Ram and two more riders will be joining us later. So I'll introduce you to them later. Let me give you a quick tour of our bikes. This is Royal Enfield Steel Black 500. You must have seen this in our previous vlogs on photography. And I have mounted my tripod here. You can see with the help of bungee cord I have tied it. Okay. And these are our helmets. You can see Ram has mounted it on chin. And this is SJ cam, right? SJ cam. और ये SJ cam है और राम ने ये बहुत साल पहले लिया था जब उन्होंने बाइक राइड की थी लद्दाख में, लेह लद्दाख. और ये है मेरा पिछला एपिसोड, देख लीजिए. आप अगर पिछला एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पर माउंट क्यों नहीं है. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी. ये जो बाइक है, एक ये डोमिनर 400, ये राम की, इस पर अभी भी ग्लॉज. One more rider will be joining us soon and I'll introduce you to him also. Yeah. Two more riders. Okay. So guys, now we are joined by two new riders, Lawrence and Marquez. Let me I was just kidding. Let me introduce them. Incel. Yeah, Incel. Incel. Okay, I like his gear actually. It's really cool. Okay, and he's Siddesh. I'm Siddesh. Siddesh will be riding RS. ये है इंसेल की R3. So we have started our ride at 9:45 and now कितने बज रहे हैं? इनके पास वॉच भी नहीं है, शायद ये सिर्फ MotoGP पर ही ट्रैक चलाते हैं, इसलिए उनको कुछ जरूरी भी नहीं है. अभी ये 12 बज रहे हैं और हमने काफ़ी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया अभी हमने 40 किलोमीटर ट्रैवल किया, लेकिन ऑफ कोर्स हम 10 के स्पीड पर नहीं आ रहे हैं क्योंकि बीच में एक ट्रैफिक जैम था उसकी वजह से. 20 to 25. ओके, तो 20 to 25. अभी और 22 किलोमीटर हमें जाना है और 22 नहीं जोड़ असल ओके. तो हम अभी सोच रहे हैं, ठीक है, कि एक टी ब्रेक लेना चाहिए क्योंकि हमें काफ़ी वक्त लग गया ट्रैफिक जैम में और वहाँ से बाइक और स्पेशली बुलेट को फिल्टर कर पाना तो मतलब बहुत ही तकलीफ देने वाला है. लेकिन आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट स्टॉप. We'll be right back.
guys, we have reached Karwar. Now I think the time is 1:25, and we have stopped here for lunch. See, this is the hotel sea view. So, and my friends have already gone inside, and I'm going now. Let's see, hopefully we'll get some good food here. So Ram, how was the ride? देखिए यार ये क्योंकि ये जो होटल है ये राइडर्स के लिए बहुत राइडर्स को जैन में रखते हुए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर एक हेलमेट्स के लिए एक स्पेशल आप देख सकते हैं ऊपर बनाया गया है प्याज और लहसुन यहाँ पर रख दिए गए हैं। कि अभी उनसे बता रहे हैं कि और एक होटल यहाँ पर पासी में है, दोनों होटल अराउंड है, दैट्स नॉट फ्री प्लेस टू पार्क द बाइक, तो दैट्स व्हाई वी केम हियर। क्योंकि जो भी राइडर्स यहाँ कारवार से गुजरते हैं उनको कोई होटल ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े इसलिए हम बता देते हैं होटल अमरुद जो कि कारवार मार्केट में ही है, वहाँ पर अगर आप फिश थाली लेना चाहते हो तो आप जा सकते हो क्योंकि इंसेल वहाँ पर जा चुके हैं और काफ़ी अच्छा खाना, क्योंकि इंसेल एक बहुत ही एक्सपीरियंस राइडर है तो हम वो सजेस्ट कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। यहाँ पर हम लोग क्यों रुक गए क्योंकि यहाँ पर पार्किंग स्पेस है लेकिन वो में पार्किंग स्पेस नहीं है शायद। हमारा खाना आ चुका है, चिकन हैदराबादी देखिए है, चिकन हैदराबादी जब हैदराबाद में मैंने खाया था चिकन हैदराबादी तो वो कुछ अलग ही दिख रहा था, यहाँ पर शायद ये कुछ अलग सा ही कुछ नया ही इन्वेंशन इन्होंने कर दिया है। अंडा मसाला और ये है अंडा मसाला, लेकिन अंडे को कहाँ पर पता नहीं कहाँ पर है, कुछ वाइट वाइट सा दिख तो रहा है। हाँ राम ने खोद कर अंडे वहाँ से निकाल लिए, दो अंडे मिल गए हैं। ओके लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ भी नारियल का प्रयोग अंडा मसाला में बिल्कुल भी नहीं है, तो राइडर्स के लिए ये कितना हेल्दी है वो इन सब खाने के बाद अगर उनको डाइजेस्ट होता है तो हम लोगों को पता चल ही जाएगा। क्योंकि देखिए ये सिर्फ पूरा मसालों से भरा हुआ है, अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो आप डायरेक्टली अंडा खा सकते हैं, लेकिन ये जो है ना ये बिल्कुल एकदम चीपेस्ट वे से कैसे कर सकते हैं कोशिश है, लेकिन इसमें थोड़ा नारियल दिख रहा है मुझे, नहीं ये शायद अच्छा होगा, लेकिन इन्होंने पता नहीं इन्होंने रोटी क्यों नहीं लाई है अब तक, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ही ये शायद हमें रोटी परोस दे। अभी आ गए हमारे परोठा, ये है चिकन बिरयानी, ये चिकन बिरयानी भी है, लेकिन इसमें चिकन पीसेस कहाँ है, ये तो पूरा चावल चिकन सब डूबा हुआ है। हाँ क्या हो गया है? चिकन सब डूबा हुआ है वो ना इसके बीच में, मतलब ऐसा है कि छिपाया गया है। ये हमारे वकील साहब यहाँ पर खोद रहे हैं चिकन, प्रोफेशन छोड़ के वो यहाँ पर चिकन खोद रहे हैं, मतलब क्या मतलब क्या परिस्थिति हमारे ऊपर देखी है। दो तीन और इन्होंने खोद खोद के ये
अभी पता चल गया कि यहाँ पर सिर्फ तीन पीसीस और पता नहीं और क्या मतलब है, तीन पीसीस ही है यहाँ सिर्फ बोन्स है वो भी हमें पता नहीं है। तो चलते पहले 7 स्टार इन्होंने दिए हैं आउट ऑफ 10 वही टेस्ट करेंगे। तो देखते हैं अब ये रोने लगेंगे या ये खुश हो जाएंगे उसे पता चल जाएगा। आपका नाम क्या है? हाँ आप कहाँ काम कर रहे हैं? हाँ ये कर्नाटक से है मल्ले जी जो यहाँ पर बहुत साल से काम कर रहे हैं और इन्होंने ही हमें ये सर्विस दी है। थैंक यू। वैसे गोवा में या कर्नाटका में जब आप जाते हो तो लोग बहुत अच्छे मिल जाते हैं वहाँ। अभी हम देखेंगे कि राम वो हंस रहे हैं, अभी उनका कॉन्फिडेंस जो 7 स्टार दे चुके थे वो कम सा हो चुका है और पता नहीं शायद झूठ ही ना बोल दे। ओके हाँ ओके 7 इज करेक्ट फॉर दिस इश। ओके ओके ये चम्मच भी ला रहे हैं। हमारा आर्ट ऑफ कंपोजिशन चैनल है यूट्यूब के ऊपर। हाँ इसीलिए ये पूछ रहे थे कि हमारा चैनल कौन सा है आर्ट ऑफ कंपोजिशन और लोगो यहाँ कहीं पर आ चुका होगा। जैसे कि इंसर बता रहे हैं कि यह बहुत तीखा बना हुआ है, वेरी स्पाइसी और इंसर शायद अभी 8 स्टार से -2 कर दे या -4 पता नहीं। अगर आप क्या कहेंगे? देखिए तो अभी आप देखिए जैसे ही वो बता रहे थे कि पहले 8 पॉइंट दे रहे ब्रेकफास्ट को शायद ब्रेकफास्ट के ऊपर अंदाज़ा लगाए और अंदाज़ा शायद छूट चुका है पता नहीं। जैसे कि हम लोग अभी क्रिकेट बाइकर्स से हम लोग अभी क्रिकेटर्स बन चुके हैं क्योंकि कभी आउट स्विंग हो जाता है कभी इन स्विंग कभी अंदाज़ा छूट जाता है वैसे ही हो चुका है। तो अभी GoPro की जो बैटरी है वो 30% रह चुकी है और हमने इधर होटल वालों से पूछा तो उन्होंने हमें एक परमिशन दे दी है कि बोलिए बैटरी चार्ज करनी है। तो मैं बैटरी चार्ज करता हूँ और आपको मिलता हूँ जैसे हम राइड स्टार्ट करते हैं। वी जस्ट फिनिश विद आवर लंच एंड वी हैव जस्ट कम आउट ऑफ द होटल एंड वी विल कंटिन्यू आवर राइड टुवर्ड्स दांडेली टू अ प्लेस विच इज अराउंड 20 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस एंड नाउ बाइकर्स आर लोडिंग देयर बाइक्स।
So when we started from Karwar, we thought that it is about this destination is about 20 kilometers, but actually we have traveled around 70 kilometers from the destination, and we have a beautiful resort here on the riverside. I think the resort is called as Riverside Resort, and we have parked our bikes, and the time now is 5 in the evening. So guys, this is a very beautiful place, and they have water sports here, you can see. We have a lot of water sports happening here, and I'll just ask him, the person who coordinates all these water sports. Hi. What's your name? Aapka naam kya hai? My name is Santosh. Inka naam hai Santosh. Aur ye hame batayenge aaj ki yahan par kaun se water sports hai aur unke rates kya hai, taki aap log yahan par aa sake और यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले सके. तो संतोष जी बताइए कि यहाँ पर कितने समय से ये आप कर रहे हैं? मैं यहाँ पे हो गया, मेरे को 6 साल हो गए हैं. 6 साल हो गए हैं. 6 साल. और ओके, और यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स जो है वो कौन कौन से? मैंने यहाँ पे होता है ज्यादा रिवर राफ्टिंग होता है. हाँ? यहाँ पे ज्यादा 90% लोग उसके लिए आते हैं रिवर राफ्टिंग. ऐसे घूम जाइए. उसका चार्ज है 500 पर पर्सन, 1 किलोमीटर का है. हाँ? उसके अलावा ये सिंगल कायाकिंग बोलते हैं उसको. हाइकिंग? कायाकिंग मतलब वो क्या है? वो आपको ही रो करके जाना पड़ता है खुद. हाँ, ओके. उसको उसका है 250 पर हेड. हाँ? उसके अलावा है बोट राइड, जो जॉय राइड रहता है. हाँ? उसे फैमिली जा सकते है. हाँ? बड़ा सा बोट रहता है जी. उसका पर हेड 100 रुपीज है. हाँ? और एक है जॉर्बिंग बलून बोलते हैं. जॉर्बिंग तो आप लोग देख सकते हैं. जॉर्बिंग देखिए, वो जो बलून है उसमें अंदर जाना होता है. हाँ, उसमें जाके रोल करना होता है. रोल टू वॉक. हाँ, ओके ओके. तो उसका क्या रेट है? 250 है पर हेड. हाँ, ओके. और आपका समय क्या, मतलब सुबह में कितना बजे वो सुल्तान है? 9:30 स्टार्ट होता है और 6 o'clock तक रहता है. हाँ, ओके. और इसका नाम क्या है? इसका ये रिवर का नाम है काली रिवर. हाँ? जो यहाँ पे रिसोर्ट का नाम है हॉर्नबिल रिवर रिसोर्ट है. हाँ, ओके. हॉर्नबिल रिवर रिसोर्ट. और यहाँ पर रूम्स और एकोमोडेशन भी अवेलेबल है रूम्स और क्योंकि ऊपर उन्होंने बताया कि अभी फुल है रूम्स. आज तो फुल है सर. हाँ, और उन्होंने बताया कि वो टेंट्स भी लगाते हैं. हाँ, टेंट भी है वहाँ पे, ग्रीसिंग टेंट है. तो यहाँ पर जो वाटर स्पोर्ट करना है तो आपसे मिलेंगे तो संतोष जी. हाँ सर. तो यहाँ पर आकर आप बोल सकते हो कि आर्ट ऑफ कंपोजिशन जो हमारा चैनल है उसके जो भी व्यूवर्स है वो यहाँ पर आ सकते हैं और संतोष जी को मिल सकते हैं, ताकि आप यहाँ पर वाटर स्पोर्ट का पूरा इन्फॉर्मेशन इनसे ले सके और वाटर स्पोर्ट कर भी सकते हो आप. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन टू आवर व्यूवर्स. एंड गाइज, इट्स टाइम टू एंड द वीडियो. सो गाइज, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दांडेली, मी सौमित विथ राम and also Santosh ji is present in today's vlog. So thank you so much and see you soon in the next video.